कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 12वां दिन है। फिलहाल कोई समाधान निकलने की जगह आंदोलन के और उग्र होने की खबरें मिल रही हैं। किसान अब 8 दिसंबर को भारत बंद बुला रहे हैं, जिसे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन भी दे दिया है। केंद्र और किसान नेताओं के बीच 9 दिसंबर को फिर से चर्चा होनी है। इन सब के बीच आम जनता पर इसका क्या असर देखने मिलेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं 8 दिसंबर को क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। किसान नेता बलदेव सिंह ने कहा है कि आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, बल्कि पूरे देश का है। भारत बंद सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक चलेगा। इस दौरान दुकानें और कारोबार बंद रहेंगे। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेंगी, लेकिन शादी के कार्यक्रमों पर रोक नहीं होगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को छूट रहेगी। साथ ही किसान नेता ने यह भी आश्वासन दिया है कि भारत बंद बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा। किसानों के आंदोलन को कांग्रेस समेत 18 राजनीतिक दलों का साथ मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, सीताराम येचुरी, जम्मू कश्मीर का गुपकर गठबंधन ने बयान जारी कर किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया। साथ ही 10 ट्रेड यूनियन ने भी किसान के भारत बंद का समर्थन किया है। अन्नदाताओं के 8 दिसंबर के देशव्यापी भारत बंद से देश की इकोनॉमी को कम से कम 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। देश के 51 ट्रांसपोर्ट यूनियन ने पहले ही किसानों के भारत बंद के समर्थन का ऐलान कर दिया है। किसान संगठनों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। अहम बात यह है कि अब किसानों की उठ रही मांग से सरकार कैसे पार पाएगी। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।